आरोप तो भाजपा केवल लगाती है, दंगा के बाद उन्होंने विपक्षों पे आरोप लगाया और वीडियो वायरल हुआ तो उसमें भाजपा ही निकलते हैं। इसी तरह कन्नौज में हुआ था, मंदिर में गोमांस फेंक देते हैं और मुसलमानों को जेल में भेज देते हैं, जब जांच होती है तो उसमें आरएसएस और बजरंग दल का पाया जाता है। तो इस देश में मुसलमान के नाम पर राजनीति, अब भाजपा करना चाह रही, हिंदू करना चाह रही है, लेकिन ये जनता ने विराम लगा दिया, राम ही विराम लगा दिए, अयोध्या में विराम लगा दिए, अयोध्या में राम कहे कि अयोध्या पासी को जिताओ, भाजपा के कैंडिडेट को हराओ, क्योंकि ये राम के नाम पे ठगने वाले हैं, गाय के नाम पे ठगने वाले हैं, ब्राह्मण के नाम पे ठगने वाले हैं। इनसे अगर पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है तो मुसलमान की बात करेंगे, गाजी साहब की मजार की बात करेंगे और हिंदू की बात करेंगे अगड़े पिछड़े। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, बहराइच की घटना पूरी साजिश भाजपा के है और पीडीए के नौजवान तैयार हो जाओ। कह रहे हैं कि भाजपा की, लेकिन पूरे बहराइच में 20% मुस्लिम और महाराजगंज में 80%, तो महाराजगंज में ही क्यों हुआ फिर? महाराज जहां सुटेबल उनका हुआ, ये तो भाजपा वालों से पूछना चाहिए जो साजिश के कि क्यों महाराजगंज में, क्योंकि वहां गाजी साहब की मजार है और वहां सूफी संतों तक ये आग ले जाना चाह रहे थे, ये षड्यंत्र इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। पहले भी दंगे होते थे क्या? पहले नहीं हुए हैं तो पहले भी तो भाजपा करवाई है, भाजपा हमेशा हर जगह दंगा करवाई है, कुछ भी तो भाजपा करवाई है। जो भी हुआ दंगा आज तक भाजपा ने करवाया है और दंगा के नाम पे ही भाजपा का दुकान चल रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं ये सपा कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन वीडियो जो वायरल हो रही है भाजपा का, विधायक जो मुकदमा दर्ज करवा रहा है भाजपा का, तो ये सिद्ध होता है कि भाजपा मुसलमानों को और पिछड़ों को, और एक तरफ बयान आप बता दो, 8 साल के लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, पुलिस हेड कांस्टेबल का बलात्कार हो जा रहा है, आप जिधर निगाह उठा के देखो कहीं हत्या हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। तो इससे ये आता था, ये सरकार भाजपा पूरी तरह से अपने वादों से विफल हो गई है, इसलिए ये दंगा करवा के, बहराइच की दंगा करवाने में साजिश भाजपा की है, भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। अब पीडीए जग गया है, पीडीए डटेगा, अब भाजपा का पाखंड अब हटेगा। भाजपा करवा रही ठीक है, लेकिन क्या उसकी गोली मार देना सही था? झंडे तो उतारा, हम गोली और बुलडोजर का दोनों विरोध कर रहा है, ये माहौल किसने बनाया? ठोको नीत, बुलडोजर नीत, अगड़े नीत, ये कौन बनाया? आप माहौल पैदा किए हो तो उसी का ये परिणाम है, इसका जिम्मेदारी भाजपा की है। ये सब भाजपा करवा रही है, सब कौन करवा? भाजपा के लोग कह रहे हैं विपक्ष, वो तो भाजपा के लोग तो बहुत कुछ कहे, भाजपा के लोग कहे 15 लाख लाएंगे, भाजपा के लोग कहे थे राम राज लाएंगे, यही राम राज है कि पुलिस का माफिया कह रहे सब खत्म हो रहे हैं, या तो देश माफिया सब भाजपा में चले गए, जितने बचे हैं कुछ जो जेल में है, जेल से निकल के भाजपा में डायरेक्ट जा रहे हैं, और माफिया गुंडा भ्रष्टाचारी, ये बता नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था और ये भाजपा ने करवाया, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी है, तो ये भाजपा करवाया। कोरोना वैक्सीन से चंदा ले लिया, बीप कंपनी से चंदा लिया, पाकिस्तान से चंदा लिया, छोटी कंपनियों से चंदा लिया, और ये किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा, कौन कहा? भाजपा कहा, पूरा देश जान रहा है, पूरी जनता जान रही है, और इस समय अगर कोई लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कोई महायुद्ध लड़ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसका नाम अखिलेश यादव और उसके सेना कौन है? पीडीए। पीडीए ही जगेगा तभी ये हिंदुस्तान की खूबसूरत लोकतंत्र बचेगा, तभी खूबसूरत संविधान बचेगा। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, व्यापारी, अगड़ा पिछड़ा सब आज ये सोच रहे हैं अखिलेश जी की सरकार आ जाए, अखिलेश जी की सरकार आएगी तब हमें नौकरी मिलेगी, तब उन्हें बाकी लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव सरकार में गुंडा माफिया फिर नहीं, अखिलेश वो गुंडा माफिया ही है, जेल में कौन गोली मार रहा है, कैमरा के सामने कौन गोली चला रहा है, हाई कोर्ट में कौन गोली चला रहा है, ये बहराइच में कौन दंगा करवाया, मणिपुर कौन जलाया, ये पुलवामा का हमला की जांच कहां चली गई, कोरोना वैक्सीन से कौन मरवाया, ये सारे सवाल हैं। भाजपा के लोग कहते रहे गरीबी और पेट, पेट में रोटी चाहिए, सर पे मकान चाहिए, अच्छी दवा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, ये तभी मिल सकता है जिस जब तक अखिलेश यादव जैसा, जिनका कबीर, रविदास, पीर, पैगंबर,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, सदे मुलायम सिंह यादव, जितने समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे उनके उपज चिन्हों पे अगर चल रहे हैं कोई अखिलेश यादव, जब तक अखिलेश यादव जैसे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक इस देश का प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। विपक्ष कह रहा है ये जो दंगा हुआ चुनाव के लिए हुआ, क्या हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए ये सब? ये डाइवर्ट करने के लिए और उपचुनाव में भारी षड्यंत्र से बेईमानी करना चाह रही है भाजपा। ये बेईमानी करना करवा के कैसे बेईमानी करना? दंगा करवा के माहौल बदलेगी और मशीन सेट करके अधिकारियों को सेट करके वो चुनाव जीतने के उपचुनाव में तैयारी है। लेकिन असला चुनाव हमारा 27 का है। इस देश का नौजवान जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जमानी अखिलेश यादव के साथ है, नौजवान अखिलेश यादव के साथ है। इसलिए आपको मैं बता दूं भाजपा की षड्यंत्रकारी नीति ध्वस्त होगी और पीडीए की संविधान लोकतंत्र बचाने वाली पूरा संघर्ष एकदम काम आएगा। अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिला के लोग चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अब फिर जाने के बाद कई सौ साल फिर वापसी होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे फिर चर्चा में आ गया, क्योंकि पोस्टर वार अब शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। अंधेरी में पोस्टर लगा है बटोगे तो कटोगे, ये बीजेपी कह रही कि योगी जी को महाराष्ट्र में मांग शुरू हो गई। ये बटोगे, अगर पीडीए बटेगा तब कटेगा। इसलिए पीडीओ के एकजुट हो रहा है, मेरे पीडीए के नौजवानों एकजुट हो जाओ, अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के चलो। अगर बटोगे तो कटोगे, ये भाजपा काट देगी जैसे कहीं गोली मार दे रही है पिछड़ों को, कहीं बुलडोजर चला दे रही है, कहीं हत्या को दबा दे रही है, कहीं लूट दबा दे रही है, कहीं दंगा करवा रही है। इसलिए नौजवानों जागो, अखिलेश यादव के पीडीए का नारा जिंदाबाद करो और गांव गांव गलियों घर घर में जाकर के 27 के चुनाव और उप चुनाव में लग जाओ, भाजपा भगाओ, संविधान लोकतंत्र बचाओ, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। आप कह रहे अखिलेश यादव के सब ये हो गए, वो कह रहे बीजेपी कह रहे सब कांग्रेस सपा और ये लोग मिलकर दंगे करवा रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही राम को लाए कृष्ण को लाएंगे, तो हम कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, नौकरी नौजवानों को दिलाएंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। हमारा नेता जो कहता है वही करता है। बीजेपी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी कहे राम राज लाए, राम राज यही है कि हेड कांस्टेबल महिला का बलात्कार हो जाए, ये रामराज का कार्य है? आप बताओ, बीजेपी वाले तो नहीं हो, हमेशा बीजेपी बीजेपी कर रहे हो, बीजेपी का कोई माल तो नहीं है। देखिए, आप जब अखिलेश यादव जी की सरकार 12 में थी, छोटी घटना होती थी, यही मीडिया वाले जाते थे इस्तीफा मांगने, कितने लोग गए बाबा से इस्तीफा मांगने, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज हो गया है। आप जिधर निगाह उठा के देखो, पेपर देखो, ट्वीट देखो, सोशल मीडिया देखो, बड़े मीडिया देखो, कहीं लूट, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार।